हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए या तो मोबाइल का यूज़ करते हैं या वो DSLR कैमरे का यूज़ करते हैं। अगर आप मोबाइल से फोटोग्राफी यूज करते हैं या वीडियोग्राफी करते हैं तो दोस्तों मोबाइल के अंदर आपको कैमरे का ऐप दिया जाता है जिससे सारे कंट्रोल आपके हाथ में होते हैं और उसके बाद में आप अच्छी फ़ोटो और वीडियो बना सकते हैं। वहीं अगर DSLR की बात करें तो दोस्तों DSLR के अंदर DSLR की बॉडी, जो कैमरे की बॉडी होती है, इसमें बहुत सारे कंट्रोल फंक्शन होते हैं जिनके थ्रू आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। बट बहुत कम लोगों को इनके बारे में नॉलेज होती है। तो आज हम फोटोग्राफी करने के लिए DSLR में कौन कौन से कंट्रोल दिए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारा DSLR कैमरा है। इसके आगे की तरफ लेंस लगा होता है और पीछे की तरफ जो होती है वो उसकी कैमरे की बॉडी होती है। जब भी आप दोस्तों DSLR कैमरे का यूज़ करते हैं, हमारे को बहुत सारे बटन का यूज़ करके हमारी फोटोग्राफी होती है। तो कैमरे के अंदर कौन कौन से कंट्रोल फंक्शन दिए जाते हैं, सबसे पहले है दोस्तों शटर रिलीज़ बटन। ये जो दोस्तों फर्स्ट वाला जो बटन है, इसे शटर रिलीज़ बटन कहते हैं। इस बटन के जब हाफ प्रेस किया जाता है तो दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट फोकस में आता है, और जब इसे फुल्ली प्रेस किया जाता है तो इमेज कैप्चर होती है। उसके बाद में दोस्तों ये मेन डायल होता है। मेन डायल से आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ आपको दूसरे कंट्रोल बटन का यूज़ करके कॉम्बिनेशन के साथ इसका यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो बटन दिया जाता है, ये छोटा सा, ये दोस्तों फ्लैश बटन है। इसके थ्रू आप फ्लैश को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हमारा जो ये वाला बटन है दोस्तों, ये शूटिंग मोड का बटन कहलाता है, इसे मोड डायल बोलते हैं। इसके थ्रू आप शूटिंग के ऑटो मोड, मैनुअल मोड, एपर्चर प्रायोरिटी, ये सारे आदि बहुत सारे मोड दिए होते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं जिस भी मोड में, या वीडियोग्राफी मोड जिस भी मोड में आपको फ़ोटो और वीडियो शूट करनी है। उसके पास में ये दिया होता है पावर स्विच बटन। दोस्तों पावर स्विच के थ्रू आप कैमरे को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये कैमरे का ऑन बटन दबाए, ये पावर स्विच दबाने ऑन करने से हमारा कैमरा ऑन हो गया है। जैसे ही हम फ्लैश बटन दबाएंगे दोस्तों, ये हमारा कैमरे का फ्लैश ऑन हो जाता है और इससे हमारा फ्लैश वर्किंग में आ जाता है। नेक्स्ट जो बटन होता है दोस्तों, वो हमारा बटन है जूम इन और जूम आउट का बटन। ये जो छोटे वाले बटन दिख रहे हैं आपको दोस्तों, ये जूम इन और जूम आउट के बटन हैं। ये पास में आ जाता है एपर्चर प्रायोरिटी मोड, और इसके थ्रू दोस्तों हम हमारा कैमरे के एपर्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसे इसके पास में इरेज का सिंबल दिख रहा है आपको, इसके थ्रू आप फोटो को डिलीट कर सकते हैं। ये जो है हमारा क्वालिटी कंट्रोल, क्विक कंट्रोल बटन है, इसके थ्रू हम बहुत सारे मोड को कंट्रोल में ला सकते हैं। डिस्प्ले ऑन ऑफ करने के लिए हमारा जो बटन है, डिस्प्ले वाला बटन है। सेट करने के लिए या कोई भी हमारा फंक्शन हमारे को सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन दबाने के लिए जो बीच वाला बटन है, ये बटन है, ये दोस्तों पावर बटन है, फास्ट बटन है। इनके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को और फोकस को हमारे आगे पीछे कर सकते हैं, ऑटो फोकस का, ISO का और वाइट बैलेंस का, और हमारे शूटिंग मोड के बहुत सारे डायलर के अंदर हमारे पास डायरेक्ट बटन दिए हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो बटन है, वो हमारा दो बटन है मेन्यू बटन। मेन्यू बटन के थ्रू दोस्तों बहुत सारे कंट्रोल, जो कैमरे कंट्रोल है, वो हम आसानी से देख सकते हैं और उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके पास में प्लेबैक बटन है। इस बटन के थ्रू दोस्तों हमारे द्वारा खींची हुई फ़ोटो और वीडियो हम प्लेबैक बटन के थ्रू देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में जो पास में हमारे को ये स्विच दिख रहा है, ये जो लाइट इंडिकेटर दिख रहा है, ये लाइट इंडिकेटर है हमारे कैमरे के वाईफाई का, कैमरे के वाईफाई का इंडिकेटर है। और उसके पास में जो एक और आपको लाइट जैसा दिख रहा होगा, जब कैमरा ऑन करते हैं उस टाइम ये वर्की के अंदर आता है, ये रेड कलर का ब्लिंक करता हुआ आपको दिखाई दिया। अभी वापस मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको, जब भी हम कैमरा ऑन करेंगे ये आपको एक रेड कलर की लाइट दिखती हुई दिखाई देगी, जलती हुई दिखाई देगी। ये कार्ड का एक्सेस करने की लाइट है। इसके द्वारा हमारा कार्ड कैमरा एक्सेस करता है कि कैमरे के अंदर कार्ड में है या नहीं है, उसका एक्सेस करने के लिए काम में लिया जाता है दोस्तों। इसके बाद में ये जो बटन है ऊपर की तरफ, आपको एक बटन दिख रहा है, ये बटन है हमारा लाइव व्यू और मूवी रिकॉर्ड करने का बटन। ये है लाइव व्यू और मूवी रिकॉर्ड करने का बटन। और जो क्रॉस की वाले सेट बटन है, ये दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, ये हमारा व्यू फाइंडर होता है। इसके थ्रू जब हम इमेज को देखने के, कैमरे के थ्रू हमारा ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा इस व्यू फाइंडर में, ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के अंदर आसानी से देख सकते हैं। हमारे कुछ कंट्रोल हमारे लेंस पे भी लगे होते हैं, वो दिखा देता हूँ। ऑटो और मैनुअल फोकस के लिए हमारे कैमरे के लेंस के अंदर ऑटो मोड
ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का स्विच होता है जिसे हम स्लाइड करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। और नीचे एक और बटन दिया हुआ है दोस्तों, जिस की लेंस के अंदर स्टेबलाइजर मोड है उसको ऑन और ऑफ करने के लिए ये काम में ले सकते हैं। आगे की तरफ बहुत सारे लोग सोचते हैं कैमरे का फ्रंट ये है, दोस्तों कैमरे का फ्रंट ये है और ये कैमरे का रियर है। तो कैमरे के फ्रंट साइड में लेंस माउंट होता है, लेंस फिट होता है और ये लेंस रिलीज बटन है। ये जो बटन दिख रहा है आपको ये लेंस के रिलीज़ करने का बटन है दोस्तों। इसके अलावा हमारे डिस्प्ले के अंदर जो कुछ फंक्शन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो हमारा मोड डायलर के ऊपर, शूटिंग मोड के डायलर के ऊपर बनेगा दोस्तों। ये जो दिख रहा है आपको डिस्प्ले एलसीडी डिस्प्ले के ऊपर, ये हमारा जो भी मोड है वो मोड शूटिंग मोड दिखाता है। जैसे ये भी मैंने मैनुअल मोड कर दिया, उसके पास में शटर स्पीड है, उसके पास में हमारा एपरेचर का है और लास्ट में हमारा आईएसओ है। ये हमारा एक्सपोजर का है, एक्सपोजर के लिए ये हमारा ऑटो वाइट बैलेंस हो गया। और दोस्तों ये हमारी क्वालिटी के लिए हो गया, ये हमारा फ्लैश ऑन ऑफ करने के लिए हो गया, ये शूटिंग हम पर सिंगल मोड के अंदर कर रहे हैं या कौन से मोड के अंदर कर रहे हैं फोकस करने के लिए, उसके लिए हमारा ये वाला वन जो शॉट लिखा हुआ है ये एआई और वन शॉट वाला है। नेक्स्ट जो हमारा शूटिंग मोड, शूटिंग के लिए सिंगल शूट करना है, टाइमर के थ्रू शूट करना है, मल्टीपल शूट करना है वो है। और सबसे लास्ट में जो दिया हुआ है वो इमेज की क्वालिटी, हमारी फ़ोटो की क्वालिटी किस तरीके की रहनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है फ़ोटो के रिजोल्यूशन के ऊपर। तो एलसीडी के अंदर ये सारे फंक्शन हैं जो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो हमारे मोड के ऊपर बनेगी, उसके लिए हमारे साथ बनने रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।